जानकारी है कि पूरे आसनसोल बेल्ट में नॉलेज के मामले में इनसे आगे कोई नहीं है। और ये खुद एक लेद के संचालक हैं, बहुत सारा क्रैंक वगैरह जो क्या कहा जाता है भेल वगैरह से संबंधित बहुत सारा चीज़ ये रिपेयर करते हैं, उनका दुकान है। तो इन लोगों की दिली ख्वाहिश रहती है कि मुबारक जी जब कभी आप आओ तो कोई स्नैक या बिच्छू के बारे में हम लोग को बताइए। तो आज हम बिच्छू दिखलाना चाहते हैं। ये ठीक दुर्गा मंदिर के बगल में एमपी ज्वेलर्स और ठीक उनका सामने ही में छोटी जी का अपना एक बड़ा सा गैराज है, जो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं गाड़ी को बनवाने के लिए। बहुत सारा डिफिकल्ट फॉल्ट होने से यहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो भैया इधर आइए, डरिए मत। बहुत सारे अंधविश्वासी लोग इसे देखते ही मार डालते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें रुआ निकल गया है। जब तक आगे की ओर दबाव नहीं पड़ता है ये डंक मारना भी नहीं चाहता। अगर ये कभी मान लीजिए उमस भरा गर्मी में आप बाथरूम लैट्रिन या घर के ही अंदर कहीं कोई जगह पर जा रहे हैं और लाइन कट गया है गलती से, तो अगर आपका पैर का दबाव अगर पड़ता है तो ये डंक मार देता है। इतना तेज जलन होता है ना, काफ़ी तेज जलन हो जाता है। और उस तेज जलन के साथ क्या होता है, उस तेज जलन को कम करने के लिए देखिए एक माचिस लें, 10 तिल्ली निकाल लें। और तिल्ली निकालने के बाद जो फास्फोरस होता है जो जलता है उसको डस्ट करके एक बूंद पानी मिला दें या टैबलेट बना लें और जिस जगह ये डंक मार दिया वहाँ लगा दें, जलन खत्म। दूसरा उपाय, फिटकरी रुई में डाल दें, फिटकरी को गर्म कर दें और फिटकरी जब गर्म हो जाए तो खास करके रुई से पकड़ करके और वो जगह पर हल्का हल्का गर्म लगा दीजिए, जलन खत्म। और स्प्रिट ले लें, स्प्रिट और रुई में भिंगो करके लगा देने से वो भी जलन खत्म। लेकिन आज जो देश का माहौल है, इंसान एक दूसरे से इतना जलन हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। तो साथियों हम चाहेंगे कि इस मंच पर हमारे छोटू भैया थोड़ा सा इतना बड़ा एक्सपर्ट है, अगर ये डंक मारता तो आपको तो हम छूने नहीं देते। चलिए स्वेच्छा से जो हो, ये घर में ट्रायल मत कीजिएगा, ये बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल सही है। यहाँ डंक तो दिखलाया जाए, ये डंक जो है बिल्कुल अप टू डेट है और ये जिंदा है, समझ लिए ना छोटू भैया। हाँ, तो इसको जा करके अपने से ट्रायल मत कीजिएगा। हमने सुना है कि रेड स्कॉर्पियन में क्या होता है कि वो अगर डंक मार दे तो उससे डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर काट दे तो आप प्रयास करें, LM हॉस्पिटल एकदम सामने है, कहाँ जाइएगा, सरकारी सदर अस्पताल जहाँ इंसान को बचाया जा सकता है। आज भी ओझा गुनी झाड़ फूँक तंत्र मंत्र के चक्कर में हमारे भारत में 20-30% लोग मर जाते हैं। तो ये आसनसोल वेस्ट बंगाल के अंतर्गत अवस्थित MP ज्वेलर्स और ये दुर्गा मंदिर का ऑपोजिट हमारे छोटू भैया, हम चाहेंगे कि वो टैटू लगा लीजिए, एक वो यहाँ और थोड़ा कैमरा में कैच खींचिए। ये है हमारे छोटू भैया, अब इनका पल्स रेट हम चेक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे ये भी नेचर प्राकृतिक जंतु प्रेमी बन जाएंगे। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।